Hi guys, this is Janet here, wishing everyone Merry Christmas. I hope Lord brings joy and happiness in everyone's life. And I'm with my friend rapper Chris, and I'm so glad that I met him today. And he wants to make my Christmas nice. So rapper Chris, what would you like to do for me? Oh, Janet is a beautiful lady, no doubts about her. You can look onto the screen carefully. You can zoom in, you can zoom out to see her beauty, to see her charm, to see her complexion, to see her lips, and yes, she is indeed a beautiful girl. Not only beautiful from her face, rather beautiful from her heart even. And where are we heading towards? We are heading towards Gateway of India. Yes, that's the very happening place, what I feel. मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना. Enough of English, you know. I really want to address my audiences by talking in Urdu or in Hindi. और बहुत अच्छा लगता है मुझे Gateway of India बार बार जाना. और इत्तफाकन पिछली बार जब मैं गया था, Janet was along with me. तो हम लोग, Janet was dancing and that video, trust me, I did not upload that video. मुझे अपलोड करना चाहिए था. और अपलोड करता तो बड़ा मजा आता मुझे. हाँ, शायद मैंने अपलोड किया है यार YouTube पे. Come on, you need to check it out, you know. I mentioned Janet name out there. बड़ा मजा आता है मुझे इस तरह का कुछ ना कुछ करने में. वैसे मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ जैनेट. जैनेट ने आपको कह दिया है, एंड दैट्स फ्रॉम द हार्टिएस्ट, यू नो, कोर ऑफ द हार्ट, हार्टिएस्ट क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. नए साल आ रहे हैं, आपने रेजोल्यूशन बनाया है कि नहीं बनाया? आपने रेजोल्यूशन अगर नहीं बनाया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बना लो यार, बना लो, अभी सोच लो, समझ लो क्या करना है क्या नहीं. वैसे रात का 2:22. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सुनने वाली मेरी जनता, रवा मैं हुर्रापर क्रिस, एंड दिस इज रोड साइड रेडियो. अभी जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ, जगह का नाम क्या है जाने? रीगल, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस. महात्मा गांधी रोड, ये जगह क्या नाम है. और जहां से मैं गुजर रहा था ना, नीचे प्लेट्स दिया आयरन का और मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है. और जब भी मैं यहां से गुजरता हूं तो ऐसी आवाज आती है, गूं, इस तरीके से आवाज आती है. लगता है कि मैं यहाँ पे जो है ना, लगता है फिरारी कार में चला रहा हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला की रेसिंग चल रही है, घूम घूम इस तरीके से. अरे यार, आगे में पुलिस है. ओह माय गॉडनेस, पुलिस चेकपोस्ट से हम लोग क्रॉस होते हुए चलना होगा. गेटवे ऑफ इंडिया में शायद जाने मिले, नहीं मिले, आई डोंट थिंक सो जाने मिले गेटवे ऑफ इंडिया में. फिर भी एक बार कोशिश करते, देखते हैं व्हाट इज गोना हैपन आउट देयर. बैरिकेड है सारी जगहों पे, पुलिस की नाकाबंदी आगे तरफ. वैसे आज का दिन बहुत ही खासम खास है. ओह माय गॉडनेस, दिस पर्सन कॉट ड्रंक, यस, कॉट ड्रंक इन ड्राइविंग. वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था. वैसे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप जनता को, आप जनार्दन को, आप सुनने वाले लिसनर्स को, श्रोता को, आई एम सॉरी, श्रोता इज अ हिंदी वर्ड, इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड, तो एस जुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता. कि मैं जब जब जैनेट के देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर नशा चढ़ जाता है. मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा शराब पीकर. वो कहते हैं नशा ये प्यार का नशा है, टिडिंग टिंग टिडिंग, के मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ. वैसे ये डूब लव से मुझे दूसरा गाना भी याद आ रहा है, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं रातें कटती नहीं, बस तीर से बात बनती नहीं. वाह, ओह वाओ, शी नोज द एंटायर सॉन्ग मैन, बड़ा इंटरेस्टिंग. तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, कोई जाने ना पहचाने ना, ये हुआ कैसे. तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, यू नो व्हाट, मैं चीज बताऊं, ये गाना मुझे डेडिकेट कर यार.
and I'm feeling so lucky, you know. सबसे खुशी की बात ये है, सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि रात के वक्त मुझे लगता है पहली बार मैं जैनेट से इतनी रात को मिला हूँ. लास्ट टाइम मैं मिला तो उस समय 3 बज रहा था, अभी मिला हूँ तो शायद 2 बज रहा था. तो अभी 1 घंटा पहले मिला हूँ, अगले बार मिलूंगा तो 1 बज रहा होगा, उससे पहले उसके बाद मिलूंगा तो 12 बजे, यू नो. शायद वो न्यू ईयर का दिन रहे, यू नो. बताओ, वैसे ही कुछ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. और पता है चलती हुई कार पे मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ और गेटवे ऑफ इंडिया के करीब आ चुका हूँ. एंड दिस इज अ हाई अलर्ट एरिया, बहुत हाई अलर्ट एरिया है यहाँ पे. लेकिन क्या है, जब मोहब्बत होती है, जब बातें होती है, तो इंसान बातें करने में इतना मशगूल हो जाता है कि बस वो बात ही करते चला जाता है. और मुश्किल होने वाली बात ही है, मदहोश करने वाली रातें हैं. और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ, जैनेट है मेरे साथ, तो और ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ रहा है. कोई अगर बोलता है सचिन तेंदुलकर से, अगर पूछा जाता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो सचिन तेंदुलकर कहता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तो मैं बोलता जैनेट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. वैसे मैं